हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो है आपको एक ट्रेडिशनल जो पहाड़ी नमक होता है उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहाड़ी नमक जिसको बोलते हैं पिशू लोण, गढ़वाली में हमारे यहाँ पिशू लोण बोलते हैं उसे, पिशू लोण। तो वो जो नमक है मैं अभी पीस कर बताऊँगी आपको कि किस तरह से पीसा जाता है। उसे सिलबट्टे में पीसा जाता है पारंपरिक तरीके से, और जो है ना वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप उसे रायते में लीजिए, आप उसे सैलेड में लीजिए, आप मतलब रोटी में खाइए, ऐसे मतलब किसी भी चीज़ में आप उसे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये नमक कैसे पीसा जाता है। तो इसको बोलते हैं पिशू लोण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक सिलबट्टा लिया है। सिलबट्टा जरूरी है, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसका जो है स्वाद जो है पारंपरिक तरीके से सिलबट्टे में ही आएगा। तो ये मैंने एक सिलबट्टा लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए ये हरी मिर्च ली है मैंने, और ये लाल हो चुकी है। ये हरी मिर्च ही थी, लेकिन ये बड़े बड़े जो है ना ऐसी लाल हो गई है, आप देखिए। तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं और ऐसी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और एक अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है, और ये हरा धनिया लिया है, और ये लहसुन की पत्तियां ली है मैंने। आप इसकी जगह पे लहसुन की कलियां भी ले सकते हैं, ये मैंने अपनी क्यारी से ही लिए हैं। तो इसीलिए जो है लहसुन की जो पत्तियां हैं उनकी ज्यादा खुशबू मतलब अच्छा लगता है उसमें, उसी से पीसा जाता है घर में जो नमक पीसते हैं। अगर ये ना हो तो आप लहसुन भी पी सकते हैं, लहसुन की कलियां। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है धनिया रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम जो है ये लहसुन की पत्तियां रखेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मैंने ढेर सारी मिर्च रख दी हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, लेकिन जो है मैंने यहाँ पर ये जो है रेड चिली ली है। और ये एक अदरक का टुकड़ा भी हम यहाँ पर रख देंगे। और अब इसमें जो है हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना है, तो यहाँ पर हमें इसका सही नापतोल करना होगा। देखिए ये जैसे ये हमें ज़्यादा लग रहा है, तो हम 2 चम्मच से नहीं होगा, ये कम से कम हमें 4 चम्मच नमक लगेगा। तो हम 4 चम्मच नमक लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये अगर हमें कम लगेगा बाद में तो हम नमक थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि फिर ये ना सिर्फ तब इसी का खुशबू आती है। नमक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हम ये चीजें हमारे पास कम हो गई और नमक ज्यादा हो गया तो फिर सिर्फ नमक का ही स्वाद आता है, इसका स्वाद नहीं आता है। तो ये मुझे लग रहा है आई थिंक इतना ही काफी है। तो इसके बाद हम 1 चम्मच जो है जीरा ऐड कर लेंगे यहाँ पे, बस 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड कर लिया है क्योंकि जीरे से अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए हम इसे जो है पीसना शुरू करते हैं। बस यही जो है मेन यहाँ पर हमने जो चीजें रखी हुई हैं यही जरूरी है, लहसुन हो गया, धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गया, और अदरक हो गया, और नमक हो गया, और जीरा हो गया। तो चलिए हम इसे पीसना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जो है पहाड़ी नमक जो इसे बोलते हैं। देखिए पहाड़ी नमक है ये, और इसे जो है हमारे यहाँ गढ़वाली में इसे बोलते हैं पिशू लोण। तो ये पिशू लोण जो है बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे जो है इस तरह से बनाकर रख दीजिए किसी डिब्बे में, एयरटाइट डिब्बे में रख दीजिए इसे, और इसे ना फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे बाहर रख दीजिए, ये खराब नहीं होता है। और किसी भी चीज़ में आप दही में, रायता में, सलाद में,
या आपको खाने में नमक कम लग रहा है तो आप इस नमक को ले लीजिए, किसी भी चीज में आप इस नमक को ले सकते हैं। जैसे कि आजकल गांव में बहुत सारे संतरे हो रहे हैं तो खटाई भी बनी जाती है, और खटाई में स्पेशल यही नमक यूज किया जाता है। जैसे एक ब्लॉग डाला है उसमें मैं खटाई बना रही हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये इससे जो है खटाई बनाई है, संतरे काट कर जो है उसमें इस नमक को मैंने मिक्स किया है, और बहुत ही टेस्टी जो है इससे जो खटाई बनती है वो उसका जो है स्वाद ही अलग हो जाता है। जो हम सिंपल नमक उसके ऊपर डालते हैं ना, संतरे के ऊपर सिंपल मिर्च उसके ऊपर डालते हैं, तो वो इतना टेस्टी नहीं होता है, ये बहुत टेस्टी होता है ये नमक। तो फ्रेंड्स जो है नमक जो है बहुत प्रकार का बनता है, सिर्फ यही नहीं, ये होता है हरा नमक, और आप लाल मिर्चों का बनाएंगे तो वो है लाल नमक, और बहुत सारा नमक बनता है, अलग अलग तरीके से नमक बनाया जाता है पहाड़ों में। इस तरह से देखिए, ये हर घर में आपको इस तरह का नमक जो है बना हुआ मिलेगा, और पहाड़ में ये नमक बहुत फेमस है, पिशु लोण के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।